हाय हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये साउथ इंडियन चिल्ली मसाला कैसा बनाना है। बहुत ही इजी है कि कैसा बनाना है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये घर पे अपन कैसा बना सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो मसाला है ये बहुत ही आपका नेचुरली बनेगा, बहुत ही हेल्दी भी रहेगा। चलो देखते कैसा बनाते हैं। मैंने 2 किलो सूखी लंबी लाल मिर्ची ली है और धनिया लिया है 3 किलो। ये दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से धूप में सुखाया है। 2 से लेकर 3 दिन तक आप धूप में सुखाइए इसे। जीरा 200 ग्राम, उलुत का दाल 200 ग्राम, तोर का दाल 200 ग्राम, काली मिरी 200 ग्राम, चने के दाल 200 ग्राम, गसगस 50 ग्राम, राई लिया है 200 ग्राम। अभी ये सब चीज़ों को मैं तुमको फ्राई करके बताऊंगी कैसा फ्राई किया। एक पैन लिया है, पैन में उलुद का दाल डालती हूँ। इसको हल्के से ऐसे फ्राई करते रहिए, बहुत हल्के से फ्राई करना ताकि लाइट, एकदम लाइटली ब्राउनिश आना चाहिए। आपका जो ये सभी आइटम है ऐसे ही फ्राई करना है। मिर्ची और धनिया खाली धूप में सुखाना है, बाकी सब चीज़ों को आपको ऐसे ही फ्राई करना है। ये सब आपका फ्राई होने के बाद मशीन में जाकर आपको ये सब आइटम को पीस के लेकर आना है। आप घर पे भी पीस सकते हो थोड़ा थोड़ा। बढ़िया साउथ इंडियन आपका चिल्ली पाउडर बन गया है। आप एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपका कैसा बना। और कोई रेसिपी आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आपका जो चिल्ली पाउडर में कोई भी डाउट हो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं मिलूँगी आपसे अगले रेसिपी के साथ। अपना चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी ही पहुँच जाए। थैंक यू।